क्वेश्चन नंबर 53। चलो तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार ऊपर ऊपर से। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो तो जल्दी से मार्किंग कर लेते हैं। शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस को नोट नंबर 1 में देखेंगे, उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2 में देखेंगे, ट्रेड पेबल्स ठीक है, करंट लायबिलिटी, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में पीपीई प्लांट एंड मशीनरी ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ठीक है, करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स ठीक है, और कैश। चलो सिंपल। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दे रखा है बैलेंस इन पीएनएल ठीक है, सिंपल, और लॉन्ग टर्म बोरिंग में दे रखा है 12% डिबेंचर्स ठीक है। बाकी हमें तो एडिशनल इन्फो से स्टार्ट करना है, याद है ना क्वेश्चन? तो 4 एडजस्टमेंट्स उसने दे रखी हैं एडिशनल इन्फो में। नंबर 1, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 जनवरी 2023 ठीक है, तो कह रहे हैं डिबेंचर्स आपने 1 जनवरी 2023 को इशू करे, बताओ इससे क्या होगा, इस बात से क्या होगा? कह रहा है आपने डिबेंचर्स 1 जनवरी 2023 को इशू करे, तो इससे क्या होगा? ओपनिंग पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे? 9 महीने का। और क्लोजिंग पर कितने महीने का? 3 महीने का। समझ गए जी? तो इस तारीख का यूज़ किस लिए होता है? ताकि आप इंटरेस्ट को सही निकालो ठीक है, ये पहले भी बताया था। तो इस एडजस्टमेंट का यूज़ सिर्फ क्या है कि ओपनिंग पर इंटरेस्ट कितने महीने का निकालोगे? 9 महीने का, और क्लोजिंग में इंटरेस्ट कितने महीने का निकालोगे? 3 महीने का, है ना? क्योंकि हमने 1 जनवरी 2023 को डिबेंचर्स कह रहा है इशू करें, है ना? तो अगर आप पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का डायग्राम देखो, 1 अप्रैल 2022 से शुरू होता है साल और 31 मार्च 2023 को ख़त्म होता है, तो आपने 1 जनवरी को कह रहा है कि डिबेंचर्स इशू करें, तो ओपनिंग पर 9 महीने का इंटरेस्ट और क्लोजिंग में 3 महीने का इंटरेस्ट। बाकी सेकंड लिखा है मशीनरी, ये वो ये वो, तो कौन सा खाता बनाना पड़ेगा? मशीनरी का ठीक है ना? तो जैसे ही किसी भी पॉइंट की एडजस्टमेंट आएगी तो हमें उसका क्या प्रिपेयर करना था, याद है ना? अकाउंट। थर्ड में कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये भी किस में रिकॉर्ड करेंगे? मशीन में। और फोर्थ में कह रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो कौन सा खाता बनाना पड़ेगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो हमें दो खाते बनाने पड़ेंगे, एक मशीनरी और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। चलो तो कैसे करें सॉल्व? पहले एडजस्टमेंट्स को डील करें या पहले फॉर्मेट बनाएं? सर फॉर्मेट हमने तो बना रखा है ठीक है, तो मैं बना देता हूँ फटाफट से। तो जिन्होंने बना रखा है वो चाहे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, और जिन्होंने नहीं बना रखा फॉर्मेट वो मेरे साथ फॉर्मेट बना लो चाहें। ये चलो फॉर्मेट याद दिलवाओ क्या था, NPBT लिखते हैं, फिर उसके नीचे तेज़ तेज़ बोलना है सबको, तभी याद होगा। क्या ऐड करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस। फिर क्या लेस करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इस पहले पड़ाव का आंसर क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ठीक है। फिर उसके बाद क्या ऐड करते हैं? वेरी गुड, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी और डिक्रीज़ इन करंट एसेट। और क्या लेस करते हैं? इसका उल्टा ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लेस करते हैं? टैक्स पेड। तो क्या आंसर आ जाता है? ए, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर उसके नीचे दूसरी कौन सी एक्टिविटी?
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसका क्या आंसर आ जाएगा? बी। फिर उसके नीचे कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसका क्या आंसर आ जाएगा? सी। और फिर उसके नीचे नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ए प्लस बी प्लस सी, उसमें क्या ऐड? लेस नहीं, बहुत आंसर। तो ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग, तो ऑटोमेटिकली क्या आंसर आ जाएगा? एट द एंड। फिर वर्किंग नोट में क्या ढांचे सींचने? एक तो छोटा सा एनपीबीटी का बना लेते हैं, और दो खाते कौन कौन से बनाने हैं इस क्वेश्चन में? चलो तो यहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर लो। तो वर्किंग नोट में एक तो बना लो मशीन अकाउंट, ठीक है, गंदा सा बनाना है बिल्कुल, और दूसरा कौन सा बनाना है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बस दो खाते बनाने हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अनुसार। चलो ठीक है जी, तो आप भी बना लो ढांचे ढूंचे, फिर शुरू करते हैं। चलो ठीक है, बाकी इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे अलग से। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट वन से ही शुरू कर लेते हैं, और क्या है ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ही निकाल लेते हैं। आ जाओ सबसे पहले, तो हमें एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले नंबर वन ही कर लेते हैं। आ जाओ, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट निकालते हैं, 12% निकालना है आपको ओपनिंग फिगर पर। ओपनिंग कितना दे रखा है? 6,25,000। तो 6,25,000 का 12% इंटरेस्ट निकालना है 9 महीने के लिए, और प्लस क्लोजिंग में कितना दे रखा है? 7,50,000। तो 7,50,000 का भी 12% इंटरेस्ट निकालना है 3 महीने के लिए, ठीक है। चलो तो ये गणित लिख लो बस आप वर्किंग में, ताकि आपको बाद में याद रहे कि भाई हमने क्या गुल खिलाए हैं। तो 6,25,000 का 12% 9 महीने के लिए निकाल लो, और 7,50,000 का 12% 3 महीने के लिए निकाल लो, ठीक है। और मुझे भी बताना फिर कि कितना आ रहा है सर। तो बताओ कितना आ रहा है? 56,250, और ये 3 महीने का 22,500, तो जुड़कर हो गया 78,750, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो गया 78,750। बंद करो। तो बताओ जी भाइयों बहनों, अब 78,750 इंटरेस्ट दो जगह कहाँ कहाँ लिखें? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में और फाइनेंसिंग में माइनस, ठीक है, दो जगह लिखना है। चलो तो लेके चलते हैं दो जगह, आ जाओ जी। तो ऊपर चलते हैं, पहले रास्ते में फाइनेंसिंग पड़ जाएगा, तो फाइनेंसिंग में लिख दो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 78,750, यहाँ तो माइनस कर दो, और फिर और ऊपर ले चलो ऑपरेटिंग में, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इसमें ऐड हो जाएगा 78,750, ठीक है। तो क्लियर है सबको? चलो बाकी, क्योंकि हम डिबेंचर को डील कर रहे हैं, तो हम डिबेंचर्स का इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये भी पूछ लेता हूँ आपसे, जो डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ गई है ना, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बोलो जी?
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और इंग्लिश क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स, 1,25,000 रुपये, है ना। तो जब डिवेंचर्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम क्या कहते हैं उसको? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। चलो उसके बाद जी, अगली एडजस्टमेंट के लिए हमें मशीन का खाता बनाना है। तो मशीन का एक बार ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से देख लेते हैं। ओपनिंग है 12.5 लाख, क्लोजिंग है 17,25,000। चलो तो मशीन का खाता बनाते हैं, आ जाओ। तो मशीन का खाता याद है आपको? टू बैलेंस BD, 12.5 लाख ओपनिंग बैलेंस, और बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 17,25,000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम सब साथ साथ अलर्ट रहकर, बिल्कुल ठीक है। चलो तो एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या कह रहा है जी। अब पढ़ लेना सब बच्चे। मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख, ठीक है, कॉस्ट है 5 लाख। कॉस्ट ऑन विच, जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड वाज 1,75,000। इस अंग्रेजी का मतलब होता है कि इस मशीन पर जो डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं वो 1,75,000 है। इसको आप एक्यूमुलेटेड डेप भी कह सकते हो। तो इससे आपको इसकी बुक वैल्यू पता लग जाएगी। बताओ कितनी है बुक वैल्यू? 325। वेरी गुड, ठीक है रोहित, समझ आया? बताओ कैसे पता चली बुक वैल्यू? माइनस करके, ठीक है। तो आपने इसको बेच दिया, वॉज सोल्ड, तो 325 की मशीन को 375 में बेच दिया, तो बताओ क्या हुआ? देयर फोर प्रॉफिट कितने रुपए का? 50,000। तो ठीक है भाइयों बहनों, सबको क्लियर हो गया। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट भी पढ़ लो क्योंकि इसी की लिंक्ड है। और कह रहे डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। कह रहे मशीन का डेप्रिसिएशन है 2 लाख। सर आपको कैसे पता मशीन का है? क्योंकि और कोई PPE है नहीं ना, तो डेप्रिसिएशन हम बाय डिफॉल्ट किसी का मानेंगे? मशीन का, क्योंकि और कोई तो फिक्स्ड एसेट है ही नहीं, तो और कुछ तो डेप्रिशिएट हो ही नहीं सकता ना। तो ये 2 लाख, इसका मतलब मशीन का ही कह रहा है डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर। चलो तो सर ये सब बातें कहाँ लिखते हैं अकाउंट में, हमें बताओ। चलो तो लिखो जी बाय बैंक, इसमें तो लिखना है सेल वैल्यू 375। दूसरा लिखना है बाय डेप्रिसिएशन, जो आपने चार्ज करा ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। और गेन किधर लिखना है? गेन डेबिट साइड, जो हमें गेन हो गया सेल पर 50,000। बस PFD बनाना नहीं है क्योंकि ये मुंशी नंबर 2 है। तो आपका बैलेंस बच जाएगा, वो आप निकालो। तो उस बैलेंसिंग फिगर से हमें पता लग जाएगा कि आपने कितने रुपए का खरीदा है। बैलेंस 10 लाख, ओके। तो 10 लाख रुपए का इसका मतलब हमने परचेज कर लिया है। बाकी इनके ट्रीटमेंट्स भी लिख देता हूँ, अब तक आप वैसे आपको याद हो गए होंगे। परचेज को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, गेन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, डेप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, और सेल को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। ठीक है, तो इस खाते से हमको 4 बातें मुद्दे की पता चल गई। तो ठीक है भाइयों बहनों सबको, चलो तो चारों बातें ऊपर लेकर चलते हैं, आ जाओ। तो चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, रास्ते में इन्वेस्टिंग पड़ गया पहले, तो इन्वेस्टिंग लिख लेते हैं। सेल ऑफ मशीन 375, और दूसरा भी लिख लो परचेज ऑफ मशीन माइनस 10 लाख।
ठीक है, तो ये तो हो गया इन्वेस्टिंग। और ऊपर चलते हैं सर, और ऊपर चलो सर, और ऊपर चलो, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में तो लिख लो गेन ऑन सेल, तो माइनस कर दो 50,000। और नॉन कैश एक्सपेंस में लिख लो डेप्रिसिएशन, वो जोड़ लो 2 लाख। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी भी बच्चे को? चलो, तो बहुत बहुत मुबारकबाद, 3 एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई, बस आखिरी बची है। अब कह रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, तो कौन सा खाता बनाएं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। 5 लाख ओपनिंग में है, 3 लाख क्लोजिंग में है, तो ये लिख लेते हैं पहले, 5 और 3, 5 और 3। तो टू बैलेंस BD 5 और बाय बैलेंस CD 3। बस और तो कुछ दे नहीं रखा, तो अब क्या करें जी? तो ओपनिंग में है 5 लाख, मतलब ओपनिंग में 5 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, क्लोजिंग में घटकर रह गए 3 के, तो बताओ आपने कितनी बेच दी होंगी? भाई क्लियर है सबको लॉजिकल? इसका मतलब आपने कितनी बेच दी होंगी? 2 लाख। लेकिन उसने ये दिया है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट बेची है ना, जो आपने इन्वेस्टमेंट बेची उसे 20% मुनाफे पर बेचा है। ओके, तो 20% मुनाफा निकालना ज़रा, 40,000। ठीक है, तो इसका मतलब आपने कितने का बेचा होगा? 2,40। तो 2,40 इसका मतलब सेल वैल्यू आ गई और 40,000 का मुनाफा हुआ होगा। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं खाते में, हालांकि बिना इसके भी हम कर सकते थे सॉल्व, लेकिन फिर भी खाता बनाकर टीचर को अच्छा लगता है। तो सेल वैल्यू तो इधर लिख लो, बाय बैंक 2,40, और गेन को डेबिट में लिख लो, गेन ऑन सेल 40। तो खाता ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, कोई कोई बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो बस दो बातें मुद्दे की आ गई, गेन को ऑपरेटिंग में माइनस कर देंगे, सेल को इन्वेस्टिंग में प्लस कर देंगे। ठीक है, चलो तो चले ऊपर अब। चलो जी, तो रास्ते में इन्वेस्टिंग पड़ गया पहले, तो लिख लेते हैं सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,40 और ऊपर चलते हैं गेन को लेकर। गेन कहाँ ले चलें सर? गेन तो यहाँ पे आएगा सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में गेन ऑन सेल 40, ये माइनस कर दो। ठीक है, तो क्लियर है भाई सभी भाइयों बहनों को? कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं? चल, तो जैसे आपकी सारी एडजस्टमेंट हो जाए, तो एग्जामिनेशन हॉल में खड़े होके पहले आप 3 तालियां बजा लेना अपने लिए, कि ठीक है कि अब मेरे 5 नंबर तो आ जाएंगे। अब बचे हुए 1 नंबर के लिए अब बैलेंस शीट के आइटम काटने हैं बस। चलो, तो एक एक आइटम ऊपर से काटेंगे हम। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल काटते हैं, ओपनिंग में 20 थी, बढ़कर 30 हो गई, बताओ कहाँ लिखना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 10 लाख, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, 10 लाख रुपए। अगला आइटम काटते हैं जी, रिजर्व एंड सरप्लस था अगला आइटम, जो नोट में काटते हैं अब, बैलेंस इन PNL। इसका क्या फॉर्मूला था? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 4,25 नेगेटिव माइनस 5,37, 500 नेगेटिव, तो आधे बच्चे बेहोश हो जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर।
क्योंकि इतने सारे माइनस देखने की हमें आदत नहीं है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर तो ओपनिंग में कितना था? -4.25, वो सॉरी मतलब क्लोजिंग में है ना, माइनस। और ओपनिंग में कितना है प्रॉफिट? 537,500। यही है भाइयों बहनों? तो अब ये मैथमेटिक्स कर लोगे अपने आप सॉल्व, ब्रैकेट ब्रूकेट ओपन करके बताओ क्या आएगा बाहर। 1,12,500 पॉजिटिव ही आ रहा है, 12, 1,12,500 पॉजिटिव आ रहा है, यही आ रहा है शिवांश? ठीक है, तो शिवांश जब हाँ कहता है तब एग्री करा जाएगा। ठीक है, तो यही आ रहा होगा, तो 1,12,500। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर। चलो ठीक है, उसके बाद अगला आइटम काटते हैं। अब क्या काटें? उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये तो हमने कर ही लिया था ना नोट नंबर 2 सॉल्व डिवेंचर का, ये तो कट चुका। उसके बाद चलो करंट लाइबिलिटी बताओ, ट्रेड पेबल कम हो गई, करंट लाइबिलिटी कम हो गई, क्या करें? लेस। हाँ, तो यहाँ लेस वाले में लिख लो ट्रेड पेबल्स, ठीक है, 2 लाख रुपए कम हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आइटम मशीन, ये हम खाता बना चुके काट दो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खाता बना चुके काट दो। अब करंट एसेट में बताओ, इन्वेंट्री बढ़ गई, इन्वेंट्री बढ़ गई तो कहाँ लिखना है? ये भी लेस, तो लिख लो इन्वेंट्रीज, ये भी लेस कर दो, 2,50,000। और आखिरी आइटम भी काट दो, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ गए, कहाँ लिखेंगे बताओ? करंट एसेट बढ़ गया तो कहाँ लिखेंगे? ये भी लेस करेंगे, तो लिख लो ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी लेस कर दो, 487,500। बस, और लास्ट आइटम तो आपको पता ही है, उसमें तो आप चैंप हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ लिखना है? लास्ट में, तो ओपनिंग लिख लो 150 और क्लोजिंग लिख लो 175। बस अब माँ सरस्वती का नाम लेकर मन में उनका ध्यान करके आ जाओ, वर्किंग नोट से शुरू कर दें, एक बार में टैली होना चाहिए। अब तो सबसे पहले वर्किंग नोट क्लोज कर दो, क्या आएगा NPBT? 1,12,500, ठीक है, तो यही आ गया है। तो अब इसको कहाँ लिखें NPBT को, बोलो ना कहाँ लिखना है? सबसे ऊपर 1,12,500, तो 1,12,500 प्लस 58,750, मतलब सॉरी 78,750 प्लस 2 लाख, -50,000 और -40,000। तो पहले पड़ाव का क्या आंसर आएगा? 3,01,250 आ रहा है मेरा तो। ठीक है, तो पहले पड़ाव का आंसर आ गया 3,01,250। अब उसमें से माइनस कर दो 487,500, माइनस कर दो 2 लाख और माइनस कर दो 2.5 लाख, टैक्स पेड कुछ है नहीं छोड़ दो, तो ये तो नेगेटिव आएगा भयंकर तरीके से। कितना आ रहा है नेगेटिव? जब तक मैं अंग्रेजी लिखूं, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी 6,36,250 आ रहा है मेरा तो नेगेटिव, 6,36,250। ठीक है, तो लिख लो, यही लिख लो, मेरी गणित पे संदेह नहीं करना। तो 6,36,250 नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, अब इन्वेस्टिंग का निकाल लेते हैं आंसर,
375 माइनस 10 लाख प्लस 240, ये भी नेगेटिव ही आएगा। तो अंग्रेजी लिख लेते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बताओ ये तो बता सकते हो कितना आएगा नेगेटिव, 385, 385, ठीक है, ये भी नेगेटिव आ गया। तो सर वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब फाइनेंसिंग, ये पॉजिटिव आएगा, शक्ल से ही दिख रहा है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो 1,25,000 माइनस 78,750 प्लस 10 लाख, तो ये तो आएगा 10,46,250 पॉजिटिव। फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ो। अरे सर क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, क्या जोड़ो, सीधा लिखो ना 25,000, है ना, अब क्या जोड़ने की फॉर्मेलिटी करनी, तो सीधा 25 लिख देते हैं। हमें भाई एग्ज़ाम में हमें भेड़ना तो वैसे भी है, मान लो नहीं भी आ रहा होगा तब भी हम 25 ही तो लिख कर आएंगे, तो आप 25 ही लिखो अपना, कोई टेंशन की बात नहीं है, 25 आ भी रहा है वैसे। चलो तो ओके हो गई कहानी, तो समझ आ गया आपको कैसे करना है एग्ज़ाम में। तो ये प्रोसीजर सिखाने के लिए ऐसे करवाता हूँ आपको कि पहले हमेशा एडजस्टमेंट्स को डील करो और फिर बैलेंस शीट आइटम को पोस्ट करो, तो इससे इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और करते हैं, ठीक है सर, तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55, ये और करके देखते हैं, इस पर आप चाहें एक स्टार बना लो। चलो तो ये भी कर लेते हैं, तो देखो क्या है 55 में कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो ठीक है, तो खैर वही ड्रामे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कह रहा है बनाओ। तो अब शेयर कैपिटल नोट 1 में देखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2 में देखेंगे, 10% डिबेंचर्स, ओके, उसके बाद ट्रेड पेबल्स, ठीक है, पीपीई, ओके, 10% इन्वेस्टमेंट्स, ओ माय गॉड, ठीक है, उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओ माय गॉड, ये क्या है, कैश इक्विवेलेंट, वेरी गुड। तो इसको भी यहाँ से काट दो 90 को, इस 90 को याद है ना, इसमें ही जोड़ लो 80 में, तो ये 80 कितना बन गया, 170। और ऐसी वो 50 को भी इसी 20 में जोड़ लो, तो ये 20 कितना बन गया, 70। तो ये खेल तब सबको याद हो गया, ठीक है, बाकी इन्वेंट्री तो चलो ठीक है देख लेंगे, और ट्रेड रिसीवेबल्स नोट नंबर 3 में देखेंगे। चलो तो नोट्स पे एक बार सरसरी नज़र मार लो, इक्विटी कैपिटल है, ठीक है, प्रेफरेंस कैपिटल है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, ओके, बैलेंस इन पीएनएल है, ओके, ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर्स हैं, ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसमें से लेस करके दिखा रखा है, ओके, तो ये भी मतलब एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। बाकी हमें तो इन सबसे कोई मतलब नहीं है, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट ड्यूरिंग द ईयर, तो हम तो पहले कहाँ से शुरू करेंगे, एडजस्टमेंट से, ठीक है। तो इस बार पहले आपको दूँ मौका एडजस्टमेंट से सॉल्व करने का या मेरे साथ चेप के ही करना है, तो सर हम आपके साथ करेंगे, तो आपको तब तक 2 मिनट ले लो, तब तक मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, जिन्होंने बना रखा है वो शुरू कर सकता है। चलो तो फॉर्मेटिंग हो गई सर, अब सर आप हमें चिपवाने और हम चेपें अब। चलो तो डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट्स अच्छे हैं, थोड़ा सा और इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती रहेंगी। तो पहले मैं आपको 1 सिखाऊंगा, और 1 के साथ साथ 7th भी कवर करूंगा,
क्योंकि दोनों डिविडेंड से रिलेटेड हैं, है ना, हाईलाइट कर देता हूँ, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, है ना। तो लेकिन पहले ऊपर वाली वन पढ़ लेते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड दे रखा है 31 मार्च 2023, इस साल के एंड में, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल की तो निल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की है 10%, ठीक है। और 31 मार्च 2022 प्रीवियस ईयर की इक्विटी शेयर कैपिटल की निल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की 10% है, ठीक है। तो ये तो है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड आपको अगर याद हो मतलब फाइनल डिविडेंड, साल के एंड में जो कंपनी देती है। चलो तो पहले तो बताओ इसमें किसको क्या याद है कि हमें किससे मतलब होता है, बस प्रीवियस ईयर के डिविडेंड से, है ना। तो जो आपको वो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड देता है, इस पर तो अपना वाइटनर लगा देना एग्ज़ाम में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये तो हो गया बेकार, ठीक है। चलो अब प्रीवियस ईयर में हमने कितना प्रपोज करा है। इक्विटी कैपिटल तो है निल और प्रेफरेंस शेयर्स पर है 10%। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं दोबारा से मतलब डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ, हालांकि ना भी समझाऊँ तो भी आपका काम चल जाए और रटने वाला तो रट भी लेके बैठ जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस, बाकी बिना उसके भी कर सकते हो। देखो मान लो ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है, पिछला साल है। अब साल ख़त्म हो गया, तो साल के ख़त्म होने पर कंपनी को लगता है कि भाई शायद हमें कुछ प्रॉफिट्स हो जाएंगे, अंदाज़ा लगाती है कंपनी, और कंपनी कहती है चलो भाई डिविडेंड प्रपोज कर देते हैं। अभी पे नहीं करती डिविडेंड, पे तो 2-3-4 महीने बाद होगा लेट से, लेकिन वो ईयर के एंड पर प्रपोज कर देती है, सोच लेती है कि शायद देना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, अब पहले तो याद है किसी को बताओ, कौन बच्चा बताएगा इसे बैलेंस शीट में कंपनी कहाँ शो करती है, बताओ। ये कॉन्सेप्चुअल बातें आपको आनी चाहिए कि मान लो ईयर का एंड हुआ और ईयर के एंड पर कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज करा है, मतलब कंपनी को लग रहा है कि हम डिविडेंड दे सकते हैं, तो इस लगने को, इस प्रपोज डिविडेंड को कंपनी कहाँ शो करती है बैलेंस शीट में, बताइए। ये पढ़ रखा है आपने पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर में, मतलब स्पेशल पॉइंट्स में है, बताओ कहाँ शो करती है। वेरी गुड, तो ऑनलाइन के मोहित भाई हमारे चीते ने सही बताया है, बिल्कुल। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, इसे फुट नोट में शो किया जाता है, मतलब इसको बैलेंस शीट में कहीं प्रभाव नहीं डालती ये बात, कहाँ शो किया जाता है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अब कंपनी को लगा कि भाई हमें शायद डिविडेंड देना पड़ेगा, तो इक्विटी वालों को तो कंपनी ने निल प्रपोज करा, कह रहे इन्हें नहीं देंगे, इनके लिए शायद प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास, नहीं देंगे। लेकिन प्रेफरेंस वालों को कितना प्रपोज कर रही है कंपनी, 10%। तो एक बार मैं सवाल में ऊपर जा रहा हूँ, मैं 10% देखने के लिए ऊपर जा रहा हूँ कि 10% डिविडेंड है, तो वो देखने के लिए जा रहा हूँ। तो अगर हम देखेंगे कि प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को देगी कंपनी, तो कितना दे रही है, 10%, है ना। तो अगर आप वैसे निकालोगे ओपनिंग वैल्यू पर 10%, तो कितना आ जाएगा, 30,000, 30,000, है ना। तो कंपनी को लग रहा है कि भाई ठीक है, इक्विटी वालों को तो चलो हम कुछ नहीं देंगे, प्रपोज्ड वालों को हम 30,000 दे सकते हैं या देने की सोच रही है कंपनी फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ तक एक बात हो गई, अब बड़े ध्यान से सुनना और देखना। अब फिर लिखा है, पहले तो इतनी बात बता देता हूँ, तो अब इसका ट्रीटमेंट आपको याद है कि इसका क्या ट्रीटमेंट करते थे, बताओ अगर किसी को याद है तो। वर्किंग नोट में, हाँ, क्योंकि अब ये डिविडेंड कंपनी कब पे करती है एक्चुअल में, एक्चुअल में इसकी पेमेंट करंट ईयर में होती है, मतलब ये मान लो करंट ईयर है, दिस इज योर करंट ईयर जो 31 मार्च 2023 को ख़त्म हो रहा है। तो जो कंपनी ने प्रपोज करा ना, ये देखो ये पे कब करेगी एक्चुअल में, 2-3 महीने बाद। तो आम तौर पर इसकी पेमेंट कब आ रही होगी, कंपनी इसको पे कब करती है,
एक दो महीने बाद, अब कब कर रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो यहाँ पे कर रही है ना। तो अब आपको इसका क्या ट्रीटमेंट लिखवा रखा है कि भाई ये जो प्रपोज डिविडेंड है इसको हम कहाँ दो जगह लिखेंगे बताओ, अब आप बताओ। एक तो वर्किंग नोट में, हाँ प्लस, तो अब लिख लो मेरे साथ। तो मैंने कॉन्सेप्ट दोबारा इसलिए समझाया थोड़ी क्लैरिटी के लिए, बाकी रटने के लिए तो मैं पहले ही लिख देता, ये लो इधर ऐड कर लो, लेकिन अब थोड़ा समझ आ रहा है ना कि प्रपोज डिविडेंड क्या होता है। तो कंपनी प्रपोज करती है कि हम डिविडेंड दे सकते हैं, वो प्रपोज डिविडेंड होता है। तो एक तो यहाँ लिख लो प्रपोज डिविडेंड, ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देता हूँ प्रेफरेंस वालों का, कितना है 30,000। हाँ तभी तो हमने ओपनिंग पे ही निकाला। नहीं, डिविडेंड में कोई 3 महीने 9 महीने का चक्कर नहीं होता, वो सिर्फ डिबेंचर के इंटरेस्ट के लिए होता है ना। तो इसीलिए मैं पहले ही सतर्क था, तो मुझे पता था कि उसका कोई लिंक नहीं है। तो अपना सिंपल जो भी पिछले साल कैपिटल थी, 3 लाख कैपिटल थी, उसका 10% कंपनी प्रपोज करेगी और एक दो महीने बाद पे कर देगी। तो मतलब सीधा सीधा 3 लाख का 10% कितना आ गया, 30,000। तो एक तो यहाँ लिख लिया, दूसरी जगह कहाँ ऐड करेंगे इसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी ऐड कर लो प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का ब्रैकेट में लिख देता हूँ वही प्रेफरेंस, ताकि आपको याद रहे। तो भाई यही ट्रीटमेंट लिखवाए थे, सब बच्चे संतुष्ट हैं। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही लेना है आपको, दो जगह लेना है। फाइनेंसिंग में माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देना। तो वर्किंग नोट में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। चलो तो पहली एडजस्टमेंट तो हो गई, ठीक है सर, तो पहली तो हो गई। अब सेकंड पढ़ते हैं, चलो जब 7 का नंबर आएगा तब तभी देखेंगे, भी छोड़ दो। अब सेकंड पढ़ते हैं, चलो स्टेप 1 बाय 1 ही करते हैं। तो सेकंड अब पढ़ते हैं, सेकंड में लिखा है मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 90,000 रुपये वॉज सोल्ड फॉर 50,000 रुपये। आपने एक मशीन 90,000 की 50,000 में बेच दी, बताओ रोहित जल्दी से कितना लॉस हो गया, 40। और कौन सा खाता बनाना पड़ेगा इसके लिए, मशीन, ठीक है वेरी गुड। तो हम एक मशीन अकाउंट बना लेते हैं प्यारे बच्चों, पीपीई का, और थर्ड एडजस्टमेंट भी इसी से रिलेटेड है, वो भी इसीलिए पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000। तो ये भी किस अकाउंट में जाएगा, मशीन, क्योंकि और कोई एसेट तो है ही नहीं। तो मशीन अकाउंट बना लेते हैं, ओपनिंग है 6 लाख, क्लोजिंग है 7 लाख। चलो तो 6 और 7, तो पीपीई या मशीन अकाउंट, चलो तो गंदा सा बनाना है, तो लिखो टू बैलेंस बीडी, कितना है ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, और बाय बैलेंस सीडी कितना है क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख, ठीक है। अब क्या क्या लिखेंगे, एक तो बाय बैंक कितने की बेची, 50 की, बाय लॉस ऑन सेल कितना हुआ, 40 का, और बाय डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 60,000। बस तो खाता बंद करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लो कि क्या बच रहा है, बैंक परचेज कितना, 250, ओके ठीक है। तो अब इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मशीन अकाउंट तो सिंपल, चलो बाकी इन आइटमों को लिख लेता हूँ एक बार दोबारा। तो परचेज को इन्वेस्टिंग में माइनस कर देंगे, सेल को इन्वेस्टिंग में प्लस कर देंगे, लॉस को ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन को भी ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। तो चार बातें इस खाते से निकाल कर ऊपर चलते हैं। चलो
तो ऊपर जलते हैं, ऊपर चलते हैं, तो रास्ते में पहले इन्वेस्टिंग पड़ जाएगा, तो पहले तो आप यहीं लिख लो, सेल ऑफ मशीन 50 और परचेज ऑफ मशीन ब्रैकेट में लिख लो 250। फिर और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलते हैं, लॉस कहाँ लिखोगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 40, और डेप्रिसिएशन भी कहाँ लिखोगे? नॉन कैश एक्सपेंस में 60, तो ये भी प्लस कर लो। ठीक है जी, तो सबको क्लियर है? चलो, तो तीन एडजस्टमेंट्स हो गए। चलो अब सर नेक्स्ट नेक्स्ट है जी एडजस्टमेंट नंबर 4। ओके, कह रहे डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022। ओ माय गॉड, कह रहे आपने डिबेंचर्स साल के पहले दिन ही इशू कर दिए, तो इस बात का फर्क किस चीज पर पड़ेगा? इंटरेस्ट पर। अब तो कई बार ये पॉइंट आ चुका, तो जब आप साल के पहले दिन ही डिबेंचर्स इशू कर दोगे, तो अब आप ही बताओ कि ये डिबेंचर का इंटरेस्ट किस वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे हम? बताओ भाई, आपका ओपनिंग में 2 लाख का डिबेंचर था और पहले दिन ही आपने इशू कर दिया, तो पहले दिन ही कितने हो गए? 3 लाख हो गए ना पहले दिन ही। भाई बात समझ आ रही है? आपने पहले दिन ही इशू कर दिए डिबेंचर, तो आपके पहले दिन ही कितने हो गए? 3 लाख हो गए। तो अब तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करना है? 3 लाख पर। तो ओके हो गई बात। चलो, तो निकालना इंटरेस्ट कितना आएगा 3 लाख का? 10%, 30,000। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट बताओ दो जगह कहाँ कहाँ लिखे। एक तो कहाँ लिखना है? फाइनेंसिंग में, तो अभी बाद में लिखता हूँ, पहले यहाँ लिख दूँ। एक तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख लो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30,000, यहाँ पे प्लस लिख लो, और फाइनेंसिंग में माइनस लिख लेते हैं। आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस 30,000, और जो डिबेंचर्स इशू हुए उनकी अंग्रेजी वो भी लिख लेते हैं। वो क्या लिखेंगे डिबेंचर्स इशू की अंग्रेजी? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स 1 लाख रुपए के इशू हुए। ठीक है जी, ठीक है, तो तीन चार एडजस्टमेंट तक ओके। चलो जी, अगली एडजस्टमेंट नंबर 5। कह रहे इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2023। ओ माय गॉड, कह रहे इन्वेस्टमेंट आपने साल के आखिरी दिन खरीदी है, तो इस बात का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कह रहे इन्वेस्टमेंट आपने साल के आखिरी दिन खरीदी है। देखो ये री इन्वेस्टमेंट, हाथ का निशान बना देता हूँ, है ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमेशा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही मानी जाती है। कई बार बच्चा कह सकता है सर क्या पता करंट इन्वेस्टमेंट हो, तो वो नहीं मानते हम। तो कह रहा है हमने साल के आखिरी दिन इन्वेस्टमेंट खरीदी है, तो इसका मतलब अब आप जब इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट करोगे अपने आप, तो किस वैल्यू पर करोगे? वेरी गुड, ओपनिंग पर। तो समझ गए भाइयों बहनों सब बच्चे, तो आपको इंटरेस्ट किस वैल्यू पर कैलकुलेट करना पड़ेगा? ओपनिंग, क्योंकि आपने साल के आखिरी में जाके इन्वेस्टमेंट को परचेज करा है। तो देखो इसी एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों डेट्स का खेल क्लियर हो गया। तो जब साल के पहले दिन इशू करते हैं, जैसे डिबेंचर साल के पहले दिन इशू हुआ, तो इंटरेस्ट किस पर निकालेंगे? क्लोजिंग पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इन्वेस्टमेंट साल के आखिरी दिन मतलब खरीदी, तो इंटरेस्ट किस पर निकालेंगे? ओपनिंग पर। तो अब चाहे इसको रटो समझो, वो अब आपकी हेड है, मेरी तरफ से ओके हो गया। ओके चलो, तो इंटरेस्ट निकलवा दो जरा, 10% ओपनिंग 1 लाख पर कितना आएगा? तो 1 लाख का
10% आ गया 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, ये आपको मिलता है, ये ध्यान रखना। अब इसका ट्रीटमेंट बताओ दो जगह, ये आपकी इनकम है, तो कहाँ कहाँ लिखेंगे? दो जगह, एक तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, वेरी गुड। तो यहाँ पे तो माइनस में लिख लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, वेरी गुड, है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो एक तो सही हो गया, और अब एक और बताओ दूसरा कहाँ लिखेंगे? इन्वेस्टिंग में प्लस करके, क्योंकि ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर मिला हुआ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये प्लस कर दो, मतलब इनफ्लो। ठीक है, तो ये आपको लिखवा रखा है, कॉन्सेप्ट में देख सकते हो अगर आप भूल गए तो। अच्छा, अब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, परचेज हुई, वो कहाँ लिख दें? वो भी इसी में लिख लेते हैं लगे हाथ। तो परचेज जो करा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,00,000, है ना, 1,00,000 करा ना परचेज आपने। ओपनिंग में कितना था? 1,00,000, क्लोजिंग में हो गया 2,00,000। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो हुई, उसको भी लिख लो, माइनस कर दो। ठीक है, तो ओके हो गया एडजस्टमेंट पूरी, तो आपका इन्वेस्टमेंट का भी पूरा खेल तमाशा हो गया। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट खत्म। अब नंबर छः में कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2022। अच्छा, तो एक बार प्रेफरेंस शेयर देखकर आ रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स हमें ओपनिंग में दे रखे हैं 3,00,000 और क्लोजिंग में दे रखे हैं 2,00,000। तो इसका मतलब हमारे प्रेफरेंस शेयर कम हुए हैं, लेकिन उसने डेट भी बता दी। तो मैं ऐसी डायग्राम पर बस दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि भाई हमने कब रिडीम करे डिबेंचर्स को। अब करा होगा कहीं पे, यहाँ पर रिडीम करा होगा 31 दिसंबर को 2022 में। तो ओपनिंग में प्रेफरेंस शेयर थे 3,00,000, क्लोजिंग में कितने हो गए? 2,00,000। तो प्रेफरेंस शेयर्स की डेट से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ और बात होती तो की तो सोचते, लेकिन फिलहाल इस पॉइंट से हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस डेट से। बस प्रेफरेंस शेयर कह रहा है रिडीम कर दिए 31 दिसंबर को, तो अभी तक की क्वेश्चन के हिसाब से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम हो गए, कम हो गए, तो कहाँ लिखना है वो बता दो, कहाँ लिखते हैं? फाइनेंसिंग में माइनस। तो आप फाइनेंसिंग में लिख लो कि भाई रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो कम हो गए ना क्योंकि, तो आप माइनस कर लो 1,00,000। ठीक है सर, तो रिडम्पशन हो गया प्रेफरेंस शेयर का, ओके। चलो, तो ये तो सिंपल, इसमें तो मतलब कुछ था नहीं फिलहाल। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, तो ये करेंगे डिस्कस। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक स्पेशल क्रिटिकलिटी है इसके अंदर। अब पॉइंट नंबर 7 को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे सब बच्चे अलर्ट होके। कह रहा है इंटरिम डिविडेंड एट द रेट 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 दिसंबर 2022। ओके, अब देखो बड़े ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझाने के लिए समझा रहा हूं, आप समझना नॉलेज के लिए। पिछले साल कंपनी ने क्या सोचा था, जब पिछला ईयर एंड हुआ था, बिल्कुल उसी की नोक के नीचे देखना जहां कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी लिखी है। कंपनी को क्या लग रहा था कि शायद हमारे प्रॉफिट्स तो होंगे नहीं, तो इसीलिए इक्विटी शेयर्स को कितना डिविडेंड देने की बात हुई थी, निल, कि भाई इनको नहीं देंगे डिविडेंड, यही बात हुई थी। अब देखो क्या हुआ अचानक, बड़े ध्यान से देखना। अब इस साल कंपनी ने काम करा होगा, काम करा होगा, काम करा होगा, और धमाकेदार कंपनी को प्रॉफिट्स हो गए शुरू के 9 महीनों में ही हो गए। कई बार पता लग जाता है ना, सेल ज़्यादा हो गई तो बिना कैलकुलेट करे ही पता होता है कि भाई बहुत प्रॉफिट हो गए। अब मान लो अचानक से हमारी कंपनी की सेल 4 गुना हो जाए, तो हमें पता तो लग ही जाएगा ना कि पैसे अच्छे खासे कमा लिए हमने। तो कंपनी ने अभी बीच में ही, साल के बीच में ही यहां पर अब कह दिया कि अब हम इक्विटी वालों को डिविडेंड देंगे। तो
तो इसलिए इस साल के बीच में देने वाले डिविडेंड को क्या बोलते थे? इंटरिम डिविडेंड। तो भाई सबको स्टोरी याद आ गई, क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक। और वो भी देखो कितना दे रहे हैं, 15%। तो इक्विटी वालों को अब डिविडेंड दिया जा रहा है। तो अब एक बार जरा इक्विटी शेयर देखने जा रहा हूं ऊपर, तो इक्विटी शेयर जरा देख कर आ रहा हूं क्योंकि उसका वैल्यू क्या है वो पता होनी चाहिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में है 3 लाख रुपए, ठीक है, और क्लोजिंग में है 5 लाख रुपए। तो पहले लिख देता हूँ फिगर्स ताकि आपको दिखते आ रहे डायग्राम पर। तो ओपनिंग में कितने रुपए है इक्विटी कैपिटल? 3 लाख, ठीक है, ग्रीन कलर कर रहा हूँ। और क्लोजिंग में बढ़कर कितनी हो गई? 5 लाख। यही दे रखी है, बोलो भी ये हाँ या ना। ओपनिंग में कितनी दे रखी थी इक्विटी कैपिटल, बोलो ना? 3 लाख यही दे रखी है ना। और क्लोजिंग में कितनी दे रखी है? 5 लाख। तो इसका मतलब साल के दौरान क्या हुआ होगा, इशू हुआ होगा। तो अब वो भी देख कर आते हैं एक और एडजस्टमेंट, क्योंकि बीच में आ गई इशू की तो वो भी देखनी पड़ रही है मजबूरन। तो 0.8 भी देख लेते हैं लगे हाथ एडजस्टमेंट, ये भी कवर हो जाएगी यहीं पर। तो 0.8 में कह रहा है फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है, कह रहा है इक्विटी शेयर्स आपने प्रीमियम पर इशू करे हैं 5% के ऑन, बस डेट पढ़ लो जी प्यारे बच्चों, कब इशू करें? 31 मार्च को। तो बिल्कुल आपको बुद्धि लगानी है चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी कि हमने शेयर्स जो इशू करे हैं वो कब करें, ध्यान से डेट पढ़ना, कब शेयर्स इशू करें? साल के बिल्कुल आखिरी दिन। भाई सबको ये बात समझ आ रही है कि आप शेयर्स कब इशू कर रहे हो? साल के बिल्कुल आखिरी दिन, है ना। और डिविडेंड कब दिया जा रहा है वो नीले रंग का हाथ देखो, दिसंबर के महीने में। तो आपको अब ये बताना है कि कंपनी जब डिविडेंड दे रही होगी 15% का, तो 3 लाख रुपए की कैपिटल पर मिलेगा कि 5 लाख रुपए की कैपिटल पर मिलेगा? लगाओ दिमाग सब बच्चे, बताओ भाई, सबको सोचना है, तुक्काबाजी कोई नहीं। कि कंपनी जब 15% डिविडेंड देगी दिसंबर के महीने में, तो जो कैपिटल 3 लाख है उसको देगी या 5 लाख को देगी? हालांकि 5 लाख साल के एंड में हुई है, ये बात क्लियर है सबको। शेयर्स इशू कब हुए हैं? साल के बिल्कुल आखिरी दिन। तो 5 लाख कैपिटल कब हुई होगी? साल के बिल्कुल आखिरी दिन हुई होगी। भाई क्लियर हो गया सबको? तो हम ये 15% डिविडेंड जब देंगे इक्विटी वालों को, तो हम निकाल मतलब कितने रुपए का देंगे? 3 लाख का। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को पॉइंट? तो निकालना एक बार वैल्यू, 45,000। तो इसका मतलब इक्विटी वालों को इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने साल के बीच में पे करा है 45,000 रुपये। तो पहले ये बात क्लियर हो गई। तो पहले खाली इतने को डील कर लेता हूँ, फिर इशू को अलग कर लूँगा। तो बट आपको वैल्यू क्लियर हो गई सब बच्चों को? चलो, तो इंटरिम डिविडेंड इसका मतलब कंपनी ने 45,000 रुपये दिया है। आइए, तो अब इसको दो जगह कहाँ कहाँ लिखें? हाँ वही सेम है। तो एक तो वर्किंग नोट में प्लस कर लो, इंटरिम डिविडेंड पेड 45, और फाइनेंसिंग में माइनस कर लो, इंटरिम डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस कर लो 45। हाँ बताओ, ठीक है। तो मैं रुक रहा था, मैं इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों का भी आ गया, मैं इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। थैंक यू माँ, मेरा आपने पुकार सुन ली, बच्चे ने बताया। चलो तो भैया ठीक है, तो पहले यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब बच्चे क्या कह रहे हैं, एक अब बच्चे कह रहे हैं कि सर देखो हमने इक्विटी वालों को क्या दिया है, डिविडेंड दिया है ना, हमने क्या दिया है देखो इक्विटी वालों को, डिविडेंड दिया है। तो बच्चे कह रहे हैं, बताओ खुल के बोलो क्या, कि जब हम इक्विटी वालों को अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो इसका मतलब हमें प्रेफरेंस वालों को भी अपने आप डिविडेंड देना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। तो आपको अगर ये बात याद है तो बहुत बहुत बधाई, वेरी गुड। कि भाई अगर हम इक्विटी वालों को डिविडेंड दे रहे हैं तो हमें प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। लेकिन अब बड़े ध्यान से सुनना, हमने प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड अभी देखो 2-4 महीने पहले ही दिया है, ये दिख गया आपको? इसीलिए कहानी का लिंक पूरा बनाया जाता है। प्रेफरेंस वालों को देखो डिविडेंड अभी पिछले साल ही प्रपोज करा था 30,000, और वो पे कब होता है? मैंने बताया था ना, वो आपको 2-4 महीने बाद ही पे होते हैं। तो मैं ऐसी मनगढ़ंत डेट लिख रहा हूँ कि ये कब पे हुआ होगा, ऐसी लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मेरे तो सीए हूँ तो मुझे तो पता है ना सब बातें। तो ये पे हुआ होगा जुलाई के महीने में, जुलाई 2022 में, ठीक है? तो ये कब पे हुआ होगा? जुलाई 2022 में। तो हमने प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया। अब आप कह रहे हो कि सर अब दिसंबर में दोबारा दो, तो इस क्वेश्चन में ये बात नहीं चलेगी। आपने सोचा सही, आपकी सोच की दाद है कि भाई इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हैं तो प्रेफरेंस को भी देना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं देना क्योंकि हम ऑलरेडी प्रेफरेंस को दे चुके या दे रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हमने पिछले साल इक्विटी को नहीं दिया था बल्कि, तो इसीलिए इक्विटी वालों को जब हम दे रहे हैं डिविडेंड तो अब दोबारा से प्रेफरेंस को नहीं देना। नहीं तो साल के में आप खुद लॉजिक लगाओ, आप सब बातें भूल जाओ, सिर्फ ये लॉजिक लगाओ कि साल में 2 बार थोड़ी ना प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे देगी कंपनी। पहले 30,000 भी दिया अभी जुलाई में और फिर दिसंबर में दोबारा दे देगी? नहीं देगी। तो लॉजिकली इसमें हमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना, हम उन्हें ऑलरेडी दे चुके। तो एक क्वेश्चन में एक ही बार एक जने को डिविडेंड देना है आपको। अब अगर इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस को आपने पहले ना दिया होता लेट से, तो आप दे देते तो आपका ठीक होता। लेकिन एक ही आदमी को साल में आप 2 बार थोड़ी ना डिविडेंड दोगे, कभी भी नहीं दोगे। तो आपको दोबारा से प्रेफरेंस वालों को अब डिविडेंड देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट था जो इस क्वेश्चन में डिस्कस हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस वालों को दोबारा डिविडेंड नहीं देना, बस हो गया, आपका काम खत्म, आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया। तो इंटरिम डिविडेंड ये देखो, दोबारा देख लो, इक्विटी को भी मिल गया 45 और प्रेफरेंस को तो हमने 30 दे ही रखा है, बस हो गई ना बात खत्म। तो दोनों को मिल गया, अब साल में दोबारा नहीं देंगे हम। चल, बाकी ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं है जिसमें आपको मल्टीपल टाइम्स देना पड़े। तो एक बच्चा पूछ रहा है लक्ष्य भाई, तो डोंट वरी, ऐसा होगा नहीं। चलो, तो हो गया जी पॉइंट 7। उसके बाद पॉइंट 8, पॉइंट एट में तो लिखा था कि फ्रेश शेयर जो इशू हुए वो 5% के प्रीमियम पर इशू हुए हैं। चलो, तो वो तो आपसे निकलवा सकता हूं मैं, वेरी इजी। तो एक बार बताना कितने शेयर्स इशू हुए? ओपनिंग में 3 लाख थे, क्लोजिंग में 5 लाख हो गए, तो कितने रुपए के शेयर्स इशू हुए? 2 लाख के इशू हुए। और वो कह रहा है कि आपने 5% के प्रीमियम पर इशू करा है, तो निकालना ज़रा सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। बस, तो आपको बैलेंस शीट में भी 10,000 प्रीमियम नज़र आ रहा होगा, चाहे चेक कर लो अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो। आपको बैलेंस शीट में 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम नज़र आ रहा होगा, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो चेक करना। तो कर लिया चेक? हाँ सर, कर लिया चेक। तो बस ये तो एक ऑटोमेटिकली बात हो गई। तो अब हम कहाँ लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स को, बताओ? फाइनेंसिंग में तो लिख लो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। और कितने रुपए लिखोगे, कितने रुपए का इनफ्लो हुआ बताओ? कितने रुपए का इनफ्लो हुआ? 2 लाख तो इशू है ही है, और साथ ही साथ 10,000 क्या सिक्योरिटी प्रीमियम। तो याद है आपको ये सिखाया था कि उसी में जोड़ लेते हैं। तो आप प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स में 2,10,000 लिख लो इक्विटी शेयर्स। बस, तो हो गया, 8th एडजस्टमेंट भी ख़त्म। बस यही था कि प्रीमियम पर इशू करे शेयर, ठीक है? तो कर दी बस। तो 8th एडजस्टमेंट हो गई, तो अब हमारी टेंशन ख़त्म। अब अपना ऊपर से आइटम्स काटते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल वो काट चुके हम,
तो इक्विटी कैपिटल कट गई, प्रेफरेंस कट गई, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 काटते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो काट चुके, बैलेंस इन पीएनएल ये कहाँ लिखे हैं अब? वर्किंग नोट में, ठीक है, चल आ जाओ। तो वर्किंग नोट में लिख लो जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर क्लोजिंग में है 4 लाख, माइनस ओपनिंग में है 2 लाख, तो ये आ गया 2 लाख। उसके बाद अगला आइटम काटते हैं। अब है जी अगला आइटम लॉन्ग टर्म बोरिंग, 10% डिबेंचर, ये भी कर चुके, काट दो। चलो ट्रेड पेबल, करंट लाइबिलिटी बढ़ गई, बताओ भाइयों बहनों करंट लाइबिलिटी बढ़ गई, कहाँ लिखें? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देते हैं। ट्रेड पेबल्स कितने रुपए बढ़ गई? 80। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी पीपीई, तो ये भी हम कर चुके, काट देते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी हम कर चुके, काट देते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स वो भी कट गई। इन्वेंट्रीज, करंट एसेट इन्वेंट्री बढ़ गया, बताओ करंट एसेट बढ़ गया, कहाँ लिखें? ऑपरेटिंग में लेस, तो लिख लो इन्वेंट्रीज 1 लाख रुपए। उसके बाद और क्या काटें? ट्रेड रिसीवेबल का नोट देखते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल में पहले सन्ड्री डेटर्स को काटेंगे, ओपनिंग में है 2 लाख, क्लोजिंग में बढ़कर 3 लाख हो गए, सन्ड्री डेटर बढ़ गए, कहाँ लिखें? ये भी लेस करेंगे, तो लिख लो सन्ड्री डेटर्स 1 लाख। उसके बाद उसी के नीचे दे रखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओपनिंग में है 10,000, क्लोजिंग में बढ़कर हो गया 20,000, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ गया, तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बताओ क्या हो गया? लायबिलिटी बढ़ गई, तो क्या करें? ऐड करेंगे लेकिन, सितारा ये कॉन्सेप्ट में लिखवाया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बढ़ने को हम थोड़ा सा ऊपर ऐड करते हैं, क्योंकि इसको हम एक नॉन कैश एक्सपेंस मानते हैं, मतलब मानते हैं होते ही है नॉन कैश एक्सपेंस, तो आपको इसको नीचे यहां पर ऐड नहीं करना। देखो होगा तो ऐड ही ऑपरेटिंग में, लेकिन नीचे नहीं करना, एज ए करंट लाइबिलिटी नहीं करना, इसको अलग एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, कॉन्सेप्ट में भी लिखवा रखा है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर ऐड करना, नॉन कैश एक्सपेंस वाली जगह पर ऐड करना, बस जगह बदल जाएगी, है ना? ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट होता है भाई, जगह बदल जाती है बस। चलो ठीक है सर, ये भी बात याद रखेंगे हम। उसके बाद सर ये भी कट गया, बस लास्ट है कैश इक्विवेलेंट, ये काट देते हैं, ओपनिंग में 70, क्लोजिंग में 170, तो 70 और 170 तो आपको पता ही है कहाँ लिखना है, ओपनिंग में 70, क्लोजिंग में 170। चलो तो सर अब हम वर्किंग नोट से शुरू करें कि एनपीबीटी कितना आएगा, 275। ओके, तो इसको सबसे ऊपर लिख लेते हैं फटाफट, अब गणित करना या फिर जो मैं करूं उस पर भरोसा करके लिखते रहना। तो 275 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 10 माइनस 10, तो ये आ रहा है मेरा तो 4,05,000, यही आ रहा है पहले पड़ाव का आंसर, तो पहले पड़ाव पर आपको मिलते हैं 4,05,000।
4,05,000 प्लस 80 माइनस 1,00,000 माइनस 1,00,000, टैक्स पेड कुछ है नहीं, तो 2,00,000 माइनस हो गए, 2,05 और 80, 285 पॉजिटिव आ रहा है मेरा, तो ए का आंसर। तो भाइयों बहनों ए का आंसर आ रहा है 285 पॉजिटिव, ठीक है। बाकी जिनको मुझ पे भरोसा ना हो वो किताब वालों का चेक कर लेना, ओके। चलो अब इन्वेस्टिंग का करते हैं, 50 माइनस 2,50 प्लस 10 माइनस 1, तो ये तो नेगेटिव आएगा, माइनस 290, ठीक है। तो बी का आ गया जी माइनस 290, अंग्रेजी आप अपने आप लिख लेना आप, ठीक है, कैश यूज्ड इन। और सी, सर सी का भी आप ही बताओ, 1,00,000 माइनस 1,00,000 तो कट गया, माइनस 30 60 45, 1,05 नेगेटिव प्लस 2 10, तो 1,05,000 पॉजिटिव आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी करके देख लेते हैं एक बार, तो 285 माइनस 290, तो माइनस 5 प्लस 1,05, तो ए प्लस बी प्लस सी करके मेरा तो आ रहा है 1,00,000, तो सही बन रहा है, ठीक है, सही बन रहा है। हाँ, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक ही जगह जाता है, बैलेंस शीट आइटम है ना। चलो तो इसका मतलब मैंने तो ठीक करा है, बाकी आप संतुष्ट हो गए। चलो जी, तो ये भी हो गया क्वेश्चन। तो बस अब एक लास्ट क्वेश्चन है सर, वो सर हम खुद करेंगे, ठीक है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 56। चलो तो ये एक ऐसी दिमाग को ठंडा करने के लिए एक छोटा क्वेश्चन है जो आपको दिया जाएगा, पढ़ लेते हैं, मतलब डिस्कशन साथ में कर लेते हैं, बाकी फिर आप करना। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो इसमें लिखा है, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेस्ट, ओके, टेक्स्ट, ठीक है। कह रहा है कि ये काल्पनिक फिगर्स हैं, एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस। तो कह रहा है इसमें आपको निम्नलिखित सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है, तो वो तो अभी देखते हैं। फिर वो कह रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ऑफ आई पे, कोई कंपनी होगी आई पे, वॉज 15,00,000 रुपये, ठीक है। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर है 15,00,000 रुपये, आफ्टर अकाउंटिंग द फॉलोइंग। आफ्टर अकाउंटिंग द फॉलोइंग का मतलब है भाई ये सब खर्चे वर्चे देने के बाद, ठीक है। तो वो तो हम वैसे भी देते हैं इसमें, मतलब ये आफ्टर अकाउंटिंग द फॉलोइंग लाइन का कोई अर्थ नहीं है, बेसिक जिससे डर आ जाए, तो इस पे कालिक पोत देते हैं ताकि इससे हमें डर ना लगे। तो इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है कि भाई आफ्टर अकाउंटिंग ये वो, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आफ्टर अकाउंटिंग के बाद ही प्रॉफिट निकालते हैं। खैर, तो अब जो मुद्दे की बातें वो डिस्कस कर लूँगा मैं आपके साथ, ठीक है सर, वो आप डिस्कस कर लो हमारे साथ। तो सबसे पहला आइटम जो दे रखा है वो क्या दे रखा है अपने को, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको पता है एक क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस वाली हेडिंग में जो जाता है ना, ऑपरेटिंग में प्लस। फिर है लॉस ऑफ फर्नीचर ड्यू टू फायर, तो कह रहा है फर्नीचर का नुकसान हो गया आग लगने से। तो प्यारे बच्चों ये है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस कि भाई आग लगने से फर्नीचर का नुकसान हो गया, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला है, तो ये बेसिकली हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, याद है ना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे, माइनस, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। उसके बाद टैक्स रिफंड, ये भी आपको देखो कॉन्सेप्ट में लिखवाया था एनपीबीटी वाले के टाइम पे, रिफंड ऑफ टैक्स कहते हैं, तो वो भी दे रखा है 10,000। बाकी जानकारियां हैं क्लोजिंग डेट की और ओपनिंग डेट की, ये भी देख लेते हैं, ये साथ साथ डिस्कस कर लेंगे फिर, ताकि जब आप सॉल्व करोगे तो आप अकॉर्डिंगली लिखना इन आइटम्स को। शेयर कैपिटल ओपनिंग में है 15,00,000, क्लोजिंग में बढ़कर हो गई 20,00,000, तो 5,00,000 से बढ़ गई, तो फाइनेंसिंग में आप प्लस कर देना। सिक्योरिटी प्रीमियम ओपनिंग में है 20,00,000,
क्लोजिंग में ये कम होके हो गया 15 लाख। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर बढ़ता तो हम इसको भी फाइनेंसिंग में प्लस करते, लेकिन अभी ये कम हो रहा है, इसका मतलब हमने इसको कहीं यूज़ कर लिया होगा, राइट ऑफ कर लिया होगा, तो इसका हमें कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दो। जनरल रिजर्व ओपनिंग क्लोजिंग में सेम ही है, तो ये भी छूट गया, इसका भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मशीनरी ओपनिंग में है 3 लाख, क्लोजिंग में बढ़कर हो गई 5 लाख, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए की आपने क्या करी है, मशीन परचेज करी है, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना। उसके बाद फर्नीचर ओपनिंग में है 1 लाख, क्लोजिंग में घटकर हो गया 80 हज़ार, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। तो जब फर्नीचर की वैल्यू कम होती है तो हम उसको सेल नहीं मानते, हमने पहले भी पढ़ा है। फर्नीचर की वैल्यू कम होने को हम क्या कहते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन हो गया होगा 20 हज़ार का। तो अब देखो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ आपको, डेप्रिसिएशन फर्नीचर का हम मानेंगे 20 हज़ार का हो गया है उसकी जानकारी के हिसाब से, लेकिन उसने डेप्रिसिएशन हमें ऑलरेडी ऊपर दे रखा है 1 लाख रुपये, तो इसका मतलब फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है वो 20 हज़ार इसी के अंदर है, और बाकी जो चीज़ें होंगी या बाकी कुछ और बात होंगी उनका डेप्रिसिएशन होगा। तो उसने 1 लाख डेप्रिसिएशन हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो इस 20 हज़ार के डेप्रिसिएशन को आपको अलग से कुछ नहीं करना, इसका मतलब ये ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड ही है, तो इस 20 हज़ार के डेप्रिसिएशन को मतलब आप कुछ अलग से कुछ मत करना। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये होता है जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कॉन्सेप्ट में शुरू में लिखवाया था कि भाई मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मतलब करंट इन्वेस्टमेंट्स है ना, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग में थे 2 लाख, क्लोजिंग में बढ़कर हो गए 3 लाख, तो ये भी एक तरह से 1 लाख रुपए के आपने परचेज कर लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कर देंगे माइनस। पेटेंट्स, पेटेंट्स का बच्चों आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों सर, आपको कैसे पता? क्योंकि प्यारे बच्चों पेटेंट्स के बारे में एक एडजस्टमेंट दे रखी है, कह रहा है पेटेंट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 50 हज़ार, तो पेटेंट का खाता तो आप बना ही लोगे और उससे जो भी निकलेगा अकॉर्डिंगली डील कर लेंगे। उसके बाद कैश इन हैंड या एट बैंक, तो ये है कैश इन कैश इक्विवेलेंट, ये भी आपको पता ही है। तो एक तरह से मेरा कैश इन कैश इक्विवेलेंट अगर मैं देखूं क्लोजिंग फिगर, तो 1 लाख ऊपर वाला ब्लू कलर में और 50 हज़ार नीचे वाला ब्लू कलर में, तो कैश इन कैश इक्विवेलेंट हो गया 1,50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये एक शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है, ओपनिंग में है 7 लाख, क्लोजिंग में कम हो गई 5 लाख, तो इसका मतलब हमने रीपे कर दिया होगा, तो इसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर लेना। और प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको याद ही होगा जो करंट ईयर का होता है 1 लाख, वो हम वर्किंग नोट में प्लस कर लेते हैं, मतलब NPBT निकालते साइन, बाकी प्रीवियस ईयर वाला तो टैक्स पेड की तरह यूज़ होगा अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। तो पहली एडजस्टमेंट में तो कह रहा है पेटेंट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 50 हज़ार, तो इसके लिए आप पेटेंट अकाउंट बना लेना। सेकंड में कह रहा है देखो प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 इज 1,50,000 एंड 2023 इज 2 लाख, तो करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड पे तो वाइटनर लगा दो, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। बाकी जो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होता है उसका आपको पता है दो ट्रीटमेंट, वर्किंग नोट में प्लस कर लेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर लेंगे। और तीसरी एडजस्टमेंट दे रखा है वो भी सिंपल, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड आपने पे करा। अब देखो इंटरिम डिविडेंड आपने प्रीवियस ईयर में पे करा 50 हज़ार और करंट ईयर में पे करा 1,20,000। अब इंटरिम डिविडेंड तो हम इसी साल पे करते हैं ना इस साल का, तो इसमें प्रीवियस ईयर वाला जो है वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रहा है, उस पर वाइटनर लगा लेते हैं। बाकी जो इस साल का इंटरिम डिविडेंड है 1,20,000, बस उसको हमें डील करना है, और उसको ट्रीटमेंट आपको पता ही है वर्किंग नोट में प्लस और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, देखो NPBT तो वो आप निकालना, वर्किंग नोट जो हम बनाते हैं छोटा सा स्टेटमेंट बना लेना NPBT निकालने का, OPBWCC तो OPBWCC निकालना है पहला पड़ाव, बाकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो मतलब आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा नहीं बनाना, बस OPBWCC निकालना है। और कह रहे डिटरमाइन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो वो तो मैंने आपको बातों बातों में ऊपर ही निकलवा दिया था, 1,50,000 है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो तो मैं आपको बताता हूँ आप क्या क्या करना, फिर चेक करेंगे 10 से 12 मिनट के बाद। पेटेंट्स अकाउंट बनाना और NPBT निकालना, फिर OPBWCC निकालना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना। आइटम्स ये हैं जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, किसका क्या करना है, और ये सारे आइटम्स को अकॉर्डिंगली जहाँ जो लिखना है वो लिखना। चलो ठीक है, करो फिर अब। चलो आओ तो अब डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आपने पेटेंट अकाउंट बना लिया है, काफ़ी बच्चे बता रहे हैं सही बनाया है वैसे। तो देखो पेटेंट में आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 80, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था 50 और परचेज गिवन थी 50, वो पुट कर ली। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचा, तो हम ये मानेंगे कि पेटेंट हमने सेल नहीं करा, सेल नहीं मानेंगे, क्योंकि पेटेंट उसने जब परचेज तो दे ही रखा है ना करी, तो इसका मतलब जो वो पेटेंट में उधर बैलेंस बच रहा है हम उसे मानेंगे एक तरह से डेप्रिसिएशन। लेकिन क्योंकि पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है तो हम क्या लिख देंगे, अमोर्टाइजेशन, जिसको ऑपरेटिंग में आप प्लस करते हो। ठीक है जी, ये कई बच्चों का सही था। तो बस एक ही एडजस्टमेंट थी खाते बनाने वाली, क्योंकि एडजस्टमेंट सिर्फ इसमें एक ही है पेटेंट की, बाकी प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड तो डायरेक्टली बस हम डील कर लेंगे। तो NPBT पहले चेक कर लेते हैं, बच्चों ने बना लिया है। NPBT के अंदर पहले इधर का स्टेटमेंट देख लेते हैं, आपने क्या क्या लिखा। सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये हमें सबसे टॉप पे गिवन था, 15 लाख। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, देखो 1,50,000 जो हमने डिस्कस करा वो आ गया वर्किंग नोट में। इंटरिम डिविडेंड 1,20,000 जो हमने डिस्कस करा वो आ गया वर्किंग नोट में। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 1,00,000, वो आ गया वर्किंग नोट में प्लस। फिर कॉन्सेप्ट में आपको लिखवाया था रिफंड ऑफ टैक्स 10,000, उसमें से माइनस कर दो, वो हो गया माइनस। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, जो लॉस बाय फायर, आग लगने से नुकसान हो गया था, EOE, ये रहा देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, वो भी आपको वर्किंग नोट में मैंने ऐड करवाया था अगर आपको याद हो तो। 10,000 को ऐड कर दो तो NPBT का आंसर आपका आ जाएगा इन सबको जोड़ के 18,70,000। ठीक है, तो कई बच्चों का सही था जिन्होंने कर लिया। फिर OPBWCC निकालने के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट और बना लिया, उसकी भी आपको कहानी पता ही है कि NPBT से शुरुआत होगी। ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन 1,00,000 गिवन था, और अमोर्टाइजेशन आपने अभी पेटेंट के वर्किंग नोट से ये निकाल लिया, 80,000 बस। और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें नहीं दे रखा था देखो हमें, और कुछ भी नहीं था। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता ही दिया, वो ऑलरेडी इस 1,00,000 के अंदर है, हम यही मानेंगे, क्योंकि भाई उसने जब बड़ी फिगर दे रखी है डेप्रिसिएशन 1,00,000, कुछ नहीं बोल रहा कि किसका है, तो हम मान लेते हैं भाई ये सारी चीज़ों का मिलाकर है। और बस एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000, वो आपने माइनस कर दी है। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं हमारे चीते, OPBWCC का 20,25,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लेते हैं, जो डिस्कस कर रहे थे वो सारे आइटम्स लिखने हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक तो था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000 गिवन, वो इनफ्लो आ गया। फिर मशीन की वैल्यू बढ़ गई थी, परचेज ऑफ मशीन, वो आ गई 2,00,000। पेटेंट की वैल्यू बढ़ गई थी और वो गिवन भी था क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, तो वो आ गई 50,000। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ गई थी 1,00,000 से, वो आ गई 1,00,000 बस। और कोई आइटम था नहीं इन्वेस्टिंग का, देखो हमने मार्क भी कर रखा है। तो मशीन बढ़ गई 2,00,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 1,00,000, पेटेंट परचेज हुए 50 के, वो भी गिवन है, और इंटरेस्ट वो भी गिवन है, इनफ्लो। तो बस एक ही इनफ्लो है और टोटल आंसर आ गया कैश यूज्ड इन 3,25,000। ठीक है, तो सही आ रहा था बच्चों का। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी वही बातें हैं देखो जो हमने डिस्कस करी थी। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स बढ़ गए थे 5,00,000, वो आ गया इनफ्लो। प्रपोज डिविडेंड 1,50,000 माइनस फाइनेंसिंग में। इंटरिम डिविडेंड 1,20,000 माइनस फाइनेंसिंग में।
और रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट जो कम हो गया था 2 लाख वो भी माइनस फाइनेंसिंग में, तो फाइनेंसिंग का आंसर पॉजिटिव आ रहा है 30,000। तो बस ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड था, लेकिन ये डिस्कस हो गया। चलो तो बस यही करना था आज के लिए, बाकी होमवर्क में कुछ नहीं करना, बस रिवाइज करके रखना आप अच्छे से इन सब क्वेश्चनों को दोबारा से, और बस बाकी सारी कहानी हमारी समाप्त।